नमस्कार बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण के एक नए अध्याय संख्या 9 विशेषण को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को विशेषण विशेषण यह इसका पहला भाग है हिंदी व्याकरण का, इस चैप्टर का हिंदी व्याकरण। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं और उदाहरण के द्वारा कुछ सीखेंगे इसे। पहले लिखेंगे विशेषण की परिभाषा। पहले क्या लिखेंगे? विशेषण की परिभाषा। तो परिभाषा क्या होता है? परिभाषा होता है संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता। बताने वाले वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये इसका परिभाषा हुआ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अब उदाहरण देते, उदाहरण से समझेंगे। जैसे जैसे काली गाय, सफेद हाथी, मीठा आम इत्यादि। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 3 उदाहरण दिया है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले या बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे काली गाय, सफेद हाथी, मीठा। अब देखिए पहला उदाहरण में क्या लिखा हुआ है? काली गाय लिखा। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? गाय की। और गाय का विशेषण क्या हो जाएगा? क्या होगा ये कि विशेषता यह है गाय की वह काली है। तो काली क्या है? ये विशेषण। उसी प्रकार दूसरा जो उदाहरण है, इसमें लिखा हुआ सफेद हाथी। तो हाथी की विशेषता क्या है? कि वह सफेद है। उसके रंग को दर्शा रहा है। क्या दिखा रहा है? रंग दिखा रहा है। हाथी को किस रंग का है? सफेद रंग का है। तो सफेद रंग हाथी की विशेषता को दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया? सफेद विशेषण। और इसी प्रकार तीसरा उदाहरण में है मीठा आम। तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? आम की। तो आम की विशेषता क्या है? कि मीठा है। तो मीठा क्या हो गया? ये विशेषण। क्या हो गया? ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना, क्या सीखा? अभी हम लोगों ने सीखा विशेषण। विशेषण ये जो कुछ उदाहरण से समझा कि इसमें दिए गए उदाहरण है उसमें विशेषण शब्द कौन से है। तो काली, सफेद और मीठा, ये 3 शब्द जो है वो विशेषण है, जो क्रमशः गाय, हाथी और आम की विशेषता बता रहे हैं। अब देखिए
यहाँ पर जो है मैंने परिभाषा लिखा, अब दूसरा परिभाषा लिखते हैं विशेष्य। दूसरा वर्ड आता है विशेष, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं विशेष्य। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया विशेष्य कैसे करते हैं। एक वर्ड है विशेष्य कैसे करते हैं, या विशेष विशेष्य क्या है, तो विशेषण, इसका परिभाषा लिखेंगे कि विशेषण जिस शब्द की या जिन शब्दों की विशेषता या जिस शब्द की विशेषता विशेषण जिस शब्द की विशेषता शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष विशेष्य का डेफिनेशन यही है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। मतलब विशेषण क्या हो गया कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं, सॉरी विशेष्य कहते हैं। जैसे आप मुझसे उदाहरण से समझे, ठीक है, जैसे राम अच्छा लड़का है, ठीक है। दूसरा, अभी उसी अभी जो मैंने उदाहरण दिया था उसी को फिर से लिख देता हूं। क्या लिखा था मैंने, मीठा आम 5 कलमे। अब देखिए ये मैंने लिखा है, ये उदाहरण लिखा है मैंने। क्यों उदाहरण लिखा है, तो विशेष्य बताने के लिए कि इसमें दिए गए उदाहरण से विशेषण कौन है, विशेष्य कौन है। तो देखिए यहाँ पर नाम संज्ञा है, ठीक है, और अच्छा, ये अच्छा क्या है, अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा क्या हो गया, ये विशेषण, ये विशेषण हो गया। अब ये जो विशेषण है ये किसकी विशेषता बता रहा है, कौन अच्छा है, अच्छा कौन है, अच्छा लड़का राम है, तो ये राम क्या हो गया, ये हो गया विशेष। नंबर टू, नंबर टू में आते हैं मीठा आम, तो मैंने अभी बताया ये मीठा क्या है, ये विशेषण, ये क्या है, विशेषण। अब देखिए ये मीठा क्या है, मीठा क्या चीज है, ये आम है, ये क्या है, मीठा आम है, तो इसमें विशेष्य कौन हो गया, आम, आम जो हो गया वो विशेष्य हो गया। क्यों, किसकी विशेषता बताई जा रही है, आम की, आम की क्या विशेषता है कि वह मीठा है। और अब आते हैं तीसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण है 5 कलमे, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है ये 5, ये 5 के कलम कितनी है, कलम संख्या बताया जा रहा है, कलम कितनी है, 5 कलमे, तो इसमें 5 क्या है, विशेषण है, क्या है, ये विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, कलम की विशेषता बताई जा रही है, तो कलम क्या हो गया, ये विशेष्य हो गया, ये क्या हो गया, तो ये उदाहरण है 5 कलमे, कलमे कितनी है, 5 है, तो कौन, क्या की संख्या 5 है, कलम की, तो कलम क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और 5 क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो ये अभी हम लोगों ने क्या 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 सीखा, हम लोगों ने सीखा विशेषण उसका उदाहरण, विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं, और उसका उदाहरण मैंने बताया, उदाहरण के द्वारा मैंने इसे समझाया कि इसमें विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे और उदाहरण देते हैं,
दूसरा है लिखते हैं पुरानी कार, पुरानी कार, नई कमीज, नई कमीज। अभी मैंने दो दो और उदाहरण दिए, दो उदाहरण मैंने लिखा है, इसे भी मैं समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ? इसे समझाता हूँ पुरानी और कार, नई और कमीज। तो इसमें विशेष्य कौन है और विशेषण कौन है? तो इसमें देखिए, ये जो कार जो है, ये कार क्या है, ये बाद में सीखेंगे, पहले देखेंगे कार। तो कार कैसी है? पुरानी है। तो कार की विशेषता क्या है? कार की विशेषता है कि वो पुरानी है, तो पुरानी कार। ये हो गया विशेषण, पुरानी क्या हो गया? विशेषण। अब पुरानी क्या चीज है? कार है। तो कार क्या हो गया? विशेष्य हो गया। कार क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक है, कार हो गया विशेष्य और उसकी विशेषता कि वो पुरानी है। आते हैं नीचे वाले सब, नई कमीज। तो इसमें नई क्या है? कमीज की विशेषता क्या है? कि वो नई है। क्या है वो? नई है। और क्या चीज नई है? नई क्या चीज है? इसके बारे में बात कर रहे हैं, कमीज के बारे में बात कर रहे हैं। कमीज क्या है? विशेष्य है। कमीज क्या है? विशेष्य है। तो कार और कमीज क्रमशः विशेष्य है किसका किसके? तो पुरानी और नई। पुरानी विशेषण, नई विशेषण, कार विशेष्य और कमीज विशेष। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के द्वारा हम लोगों ने विशेषण का परिभाषा और विशेष्य का परिभाषा उदाहरण से ही सीखा। इसके अगले भाग में हम लोग इसके कुछ भेद के बारे में और उसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।